देखो हमें भगवान ने बहुत सारी चीजें दो दो दी हैं, दो दो चीजें दी हैं, एक से जोड़े से दी हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जरा सिर से पैर तक चलो। आंखें, दो आंखें, ऊपर से चलो पैर, दो आंखें, दो कान, दो कान और नाक के दो होल है ये जिसमें से सांस जाती है और आती है। फिर दो हाथ, दो हाथ और दो अंगूठे, थंब, दो अंगूठे हैं और दो कलाइयां, दो उंगलियां, दो कंधे, दो शोल्डर और ये दांत जिसमें लगे हैं ना, जबड़ा है हमारा जॉ, एक ऊपर का और एक नीचे का, दोनों को मिलाकर जब एक्सरसाइज होती है तब हम कोई चीज खा पाते हैं। और फिर दो पैर, दो घुटने, दो टोस, दो पैरों के अंगूठे टोस, दो लिप्स, और पता है शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? दो किडनी, किडनी है, दो दो लंग्स हैं, फेफड़े जिनसे हम सांस लेते हैं। तो ये सब चीजें भगवान ने हमें जोड़ी से दी है और काम एक ही होता है, काम दोनों का एक ही होता है। जैसे दाई आंख देखती है वैसे ही बाई आंख देखती है। हाँ, दो आईब्रोज, बिल्कुल, पलकें, दो पुतलियां, वो सब उसी में आ जाता है। तो ये भगवान ने जो हमें दी है ये एक उपहार है और जब हम इनसे काम करते हैं, देखो किसी की एक आंख खराब हो जाए तो वो दूसरी आंख से देख सकता है, एक कान खराब हो जाए दूसरे कान से सुन सकता है, हाँ। लेकिन देखो जो हमें मुंह दिया है ना, मुंह तो एक दिया है, जीभ दी है, लेकिन उसके काम दो हैं। बाकी सब चीजों जो दो दो दी हैं उनका तो एक ही काम होता है, लेकिन हमारी जो जीभ दी है उसके दो काम हैं। कौन कौन से काम है? एक तो टेस्ट करती है किसी भी चीज को, जब हम खाते हैं तो जीभ पर रखते हैं। एक ब्रश, नहीं ब्रश नहीं, ब्रश तो हम दांतों पर, एक बोलने का काम, कहते हैं ना जबान में चलाओ जा रहे हैं, एक तो बोलने का काम है और एक खाने का काम है, दो काम जीभ करती है और दोनों ही काम खूब करती है, बोलती भी बहुत है और खाती भी बहुत है। अगर वो खाने पर कंट्रोल कर ले और बोलने पर कंट्रोल कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के खाना चाहिए, नाप तोल के खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और तोल बोल के बोलना चाहिए, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जो किसी को बुरी लग जाए और सारे दांत बाहर आ जाए। दांत बाहर कैसे आएंगे? किसी से कड़वा बोलोगे मुक्का मारेगा, दांत बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए और एक लिमिट में खाना चाहिए। अब ये हमारे सोचने वाली बात है और बाकी तो हम सब बच्चे सब बहुत समझदार हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? सोच समझ के बोलना चाहिए और नाप तोल के खाना चाहिए। नाप तोल के खाना चाहिए का मतलब ये नहीं कि 100 ग्राम खाना है 200 ग्राम खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ज्यादा नहीं खाना, अगर ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाता है, फायदेमंद चीजें खानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।